वेल गाइस नाजरीन, बेसिकली जो आज का जो टॉपिक है आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। आयरन वन टैबलेट, बेसिकली ये वाली जो टैबलेट्स होती है, ठीक है, किस लिए यूज़ होती है, किन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है, तो और किस लिए यूज़ होती है, किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए, तो इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान आते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो बेसिकली मैं फार्मेसी में होता हूँ, ठीक है, तो हमें मेडिसिन के बारे में पता होता है, ठीक है, कि ये वाली मेडिसिन किन किन चीज़ों के लिए, किस किस मकासद के लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें पता होता है। तो बेसिकली मैं कुछ लोगों को वैसे पता नहीं होता है, ठीक है, आम लोगों को हमें तो पता ही होता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मैंने कहा, ताकि आम आवाम को भी, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे और उन्हें भी पता लगता रहे कि ये वाली मेडिसिन किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कब यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ नहीं करनी चाहिए और किस वक्त यूज़ करनी चाहिए और क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं इस YouTube चैनल पे इसी तरह की दवाइयों से जुड़ी मालूमात की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे के बटन को भी दबाएं, तो इसका ये फ़ायदा आपको ये होगा कि दवाइयों से जुड़ी मालूमात आपको मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और आप और मैं आपस में एक साथ जुड़े रहेंगे और मैं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। तो जी शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज की जो हमारी टैबलेट है आयरन वन, तो आयरन काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। आयरन का बेसिकली जो मकसद होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, खून के खुलियात बनाना, ठीक है, और ऑक्सीजन की मात्रा को हमारे ब्लड में ज़्यादा करना है। तो आयरन बेसिकली आपके खून में इजाफ़ा करता है, ठीक है। आयरन के अगर नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, जितने भी रेड फ्रूट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा भर भर के मकदार में होता है, जैसे कि अनार हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, ये भी आयरन के काफ़ी अच्छे खासे सोर्स है। जो फल जितना ज़्यादा लाल होगा, सेब हो गया, सेब में भी आयरन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ही फ़ायदे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, कि इस टैबलेट में आखिर इसे कैसे यू, इस टैबलेट में भी बेसिकली आयरन, ठीक है, आयरन आपकी हड्डियों को, ठीक है, और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, आपकी कुव्वत मुदाफियत जो होती है, ठीक है, बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है, उसे ज़्यादा करता है और साथ ही साथ इसमें आयरन के अलावा और भी ज़्यादा, ठीक है, मल्टी विटामिंस है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके बॉडी के लिए एसेंशियल है, ठीक है। आयरन से जो सुर्ख खुलियात होती है, ठीक है, आपके ब्लड में वो भी इंक्रीज़ होते हैं, साथ ही साथ आपके ब्लड का जो कलर होता है, ठीक है, वो भी थिक होने लगता है, ठीक है, रेड डार्क कलर होने लगता है। तो बेसिकली और ये वाली मेडिसिन बेसिकली दिन में सिर्फ़ एक ही बारी खानी चाहिए, ये नहीं कि दिन में आप दो खाएं, ठीक है, ये भी एक तरह का मल्टी विटामिन सप्लीमेंट ही है, ठीक है, और ये बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ही रिकमेंड करते हैं, यानी बूढ़े लोग हो गए, यानी जिनमें खून की कमी है, जो एनीमिया का शिकार है, एनीमिया बेसिकली खून की कमी को कहते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे, ठीक है, उनके पेट में कीड़े हो गए, उसी वजह से उनका खून कम हो गया, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये असरदार है, ठीक है, और साथ ही साथ बड़ी उम्र के जो अफराद हो गए, बूढ़े लोग, उनमें भी खून की कमी हो जाती है, तो उस पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे है, ठीक है। और कुछ लोगों को हेयर लॉस हो रहा हो, ठीक है, जिनके बाल गिरे हो, ठीक है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। तो ये वाली मेडिसिन आयरन वन के नाम से आती है, ठीक है, किसी भी फार्मेसी में आपको मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिन में सिर्फ एक ही बारी खानी होती है, ठीक है, जैसे कि मल्टी विटामिंस की टैबलेट दिन में एक बारी खाई जाती है, ठीक, इसी तरह से इसे भी दिन में एक मरतबा खाए जाना है। और गाइस आप लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं, ठीक है, कि मुझे मेडिसिन के बारे में नहीं पता चला, पहले आप वीडियो को पूरा सुना करें फिर उसके बाद ही, ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा सुनते नहीं है, फिर उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आई ये मेडिसिन किस लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से सुना करें फिर उसके बाद ही, ठीक है, सवाल मेरे से पूछा करें। और मेडिसिन से रिलेटेड आप कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे से पूछना चाहते हैं, हम फार्मेसी में होते हैं, ठीक है, हमें सारी मेडिसिन के बारे में ही पता होता है, मैं खुद ही फार्मेसिस्ट हूँ। तो इसी तरह से मैंने ये वाला यूट्यूब चैनल बेसिकली इसीलिए स्टार्ट किया ताकि आम लोगों को भी, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, उन्हें नॉलेज हो, ठीक है, उन्हें भी पता हो कि किस तरह
ये मेडिसिन यूज़ होती है या नहीं। तो बेसिकली मैं इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर इस तरह की वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल कलर का ये बटन सब्सक्राइब का जो आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, उसे दबाए और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।